आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 11वीं का इकोनॉमिक्स, जो इस सप्ताह होने वाले रेल के माध्यम से, जो रेगुलर असाइनमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, इसके माध्यम से जो वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, वीकली जो टेस्ट होगा उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न VVIP प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य साधन है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के मुख्य साधन क्या है? तो भारत क्षेत्रों में आजीविका के मुख्य जो है वो कृषि है। क्या है? कृषि, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ना, व्यापारी है, व्यापार है, विनिर्माण है, गैर कृषि कार्य है, तो कृषि है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न देख पा रहे होंगे। दिया हुआ कहता है महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से, इस खाली स्थान में भरना है, क्या होगा? तो उनके द्वारा जो कहा गया था बात, उसका मायने ये था कि गांवों के विकास से है, मतलब शहरी औद्योगिकरण केंद्र में विकसित होने से नहीं, गांव के विकास से ही संभव हो पाएगा, ठीक है, प्रगति, तभी भारत को अच्छे प्रगति मिलेंगे। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है सी, वही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुड़ निर्माण, खाली स्थान, गुड़ निर्माण का एक संबंध क्रियाकलाप है। तो गुड़ निर्माण जो है वो किससे संबंधित क्रियाकलाप है? तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र? तो देखिए कृषि क्षेत्र के अंदर में वो आएंगे। किसके अंदर में? कृषि क्षेत्र, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। दिया हुआ भारत में सीमांत किसानों की समस्त भूमि क्षेत्र के कृषि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो देखिए सीमांत किसानों कि समस्त भूमि देश के कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो जो सीमांत होते हैं वो 20% है, मतलब सीमांत कृषि क्षेत्र जो होते हैं उनके पास कम मात्रा में होता है, तो 20% है। कितना है? 20%, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। दिया हुआ भारत में केंद्रीय कपास शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ है? तो ये जो है बाबू वो वाराणसी, अहमदाबाद, नागपुर, पटना। तो नागपुर में है। कहाँ पे? नागपुर में है। शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल किस प्रकार के लाभ उत्पन्न करती है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल आप लोग, सामाजिक लाभ भी आप लोगों को मिलता है और निजी लाभ भी मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। आगे आइए प्रश्न को देखिए। भौतिक पूंजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भौतिक पूंजी के संबंध में, ठीक है, भौतिक पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ये दिया हुआ, भौतिक पूंजी वस्तुओं की तरह दृश्य होती है। तो ठीक है, तो दृश्य होती है, तो भौतिक पूंजी वस्तुओं की तरह दृश्य होती है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये ही होगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कि राष्ट्रीय प्रदर्शनी सर्वेक्षण संगठन के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत कितना था? तो 11-12 में ग्रामीण भारत में, ठीक है, ग्राम में, गांव में कितना था? तो 19% था, जो 19% लगभग, ठीक है, जो 19, हाँ वही होगा, 19% ही है, ठीक। चलिए तो ये शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत 19% था। आगे आइए, अभी देखिए दिया हुआ है बेरोजगार की उच्च दर किन में पाई जाती है? तो बेरोजगार की उच्च दर जो है वो पाई जाती है किसमें? उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त युवाओं में, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त युवाओं में, अशिक्षित युवाओं में। तो उच्च दर जो है वो पाया जाता है उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक। चलिए आगे प्रश्न को देखिए कि टीकाकरण, ये प्रश्न को देखने से पहले, चैनल के ऊपर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, जी हाँ, पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास शेयर करो। क्वेश्चन देखिए, टीकाकरण है, तो टीकाकरण है प्रतिषेधी
हम लोग कह सकते हैं प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान। टीकाकरण क्या है? प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान। और आयुर्विज्ञान किसको कहते हैं आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग को बताया गया था, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्न समाप्त होता है। अब यहाँ से लॉन्ग प्रश्न कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो मानव पूंजी निर्माण के दो स्रोत बताएं। तो मानव पूंजी निर्माण के दो स्रोत इस प्रकार से है कि दो स्रोत शिक्षा और निवेश। मतलब कि पूंजी निर्माण के दो स्रोत शिक्षा पर निवेश एवं स्वास्थ्य पर निवेश, ये दोनों हैं, ठीक है। और यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों वर्ड हैं, ये मेन है मानव पूंजी निर्माण के दो स्रोत हैं। अब यहाँ पे भारत में सीमांत किसान कौन है? तो भारत में सीमांत किसान छोटे छोटे खेतों के स्वामी प्रायः सीमांत किसान कहलाते हैं। जिनके पास छोटा छोटा खेत होता है या कुछ ज़मीन का कुछ हिस्सा होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे सीमांत किसान कहते हैं। मतलब छोटा किसान को हम लोग कह सकते हैं सीमांत किसान, ठीक है। भारत में वैसे किसान जिनके पास एक हेक्टर से कम कृषि भूमि है सीमांत किसान कहे जाते हैं। जिनके पास एक हेक्टर से कम भूमि होता है, ठीक है, उनको क्या होता है कि उनको कहे जाते हैं सीमांत किसान, मतलब छोटे किसान। दूसरे शब्दों में जिनके पास 0.8 हेक्टर से छोटा खेतों के स्वामी सीमांत किसान है। देश के 78% कितना, 78% किसान सीमांत किसान है। इस प्रकार भारत में अधिकांश किसान सीमांत किसान की ही है। इनकी समस्त भूमि देश के कुल कृषि भूमि का 20% भाग है। तो उस समय बताए थे कि अगर कृषि भूमि अगर 100% है उसमें से सीमांत किसान कहते हैं भूमि, तो बात छोड़िए, अगर 100 किसान है उसमें से सीमांत किसान 78 है और वहाँ पर 22 किसान जो है वो सीमांत किसान से ऊपर है। लेकिन अब जो ये 22 किसान के पास वो 80% ज़मीन है, जबकि 78 किसानों के पास 20% ज़मीन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है सीमांत किसान के बारे में, ठीक है। तो चलिए जो भी प्रश्न हम आप लोगों को बताए हैं ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट था बाबू, तो आप लोगों के बीच में हम लाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।